वेलकम बैक है सभी लोगों का। आज हम आ गए हैं शिमला घूमने, तो स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग रास्ते में हैं और फिर से वीकेंड पे ऐसे ही मूड बना, प्लान बना और निकल पड़े हैं। अभी डेस्टिनेशन चूज नहीं किए कि जाना कहाँ है, बस जा रहे हैं, देखते हैं अंधेरा होने से पहले हम कहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बाद वहाँ पहुँच के सोचेंगे कि कहाँ पे हमें कल घूमना है, कहाँ जाना है। तो अभी रुके थे एक जगह भुट्टा वगैरह लेने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम बहुत शानदार हो गया है पहाड़ों पे, और इस मौसम में भुट्टा तो खाना बनता है, तो भुट्टा खरीद रहे। तो नमस्कार दोस्तों, रात को हम रुके थे इस होटल में, रात को वीडियो बनाना तो भूल गए थे सब लोग, क्योंकि 12:30 बज गए थे। तो अब निकलने की तैयारी हमारी फागू जगह, एक जगह है बहुत ही प्यारी जगह है, उसको भी ऑफ बीट डेस्टिनेशन बोला जाता है। तो गाड़ी लगी है अब कुछ इस तरह से, देखो फंसी रखी है यहाँ, होटल वाले आ रहे हैं। ये ब्लैक वाली स्कॉर्पियो जब हटेगी तो हमारी गाड़ी निकलेगी। पुलिस स्टेशन में यही है, एक गाड़ी आगे लगी है, दूसरी पीछे लगी है, ये वाली निकलेगी तब पीछे वाली जाएगी। मैंने तो अपनी गाड़ी दे दी इनको, होटल के मालिक को, वही लोग निकाल देंगे, क्योंकि ना टर्न वैसे हैं। हाँ, थोड़े से पीछे आगे ले जाओ, फिर थोड़ी पीछे, फिर ऊपर। जब तक ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा था हमारा, हमने सोचा कि सामने एक छोटा सा मंदिर दिख रहा था, हमने सोचा दर्शन कर लें मंदिर के। और आवाज़ थोड़ी सी नहीं आएगी सही से, क्योंकि देख रहे हैं ना गाड़ियाँ निकल रही हैं रोड पे, तो कर लेते हैं मंदिर का दर्शन तब तक। ये है छोटा सा मंदिर, इसी के दर्शन करते हैं। क्या लिखा है, माँ कामाक्षा कामरूप कोटेश्वरी माता मंदिर नंगल देवी। शूज़ वगैरह रिमूव कर लो भाई, रिमूव करो सारे। अरे माता तो है। जय माता दी। ये लोग भाग दिए फिश लेने के लिए, एक्वेरियम दिख रहा है छोटा सा इनको। कहाँ है? ओ वाह, कितने का है ये? 450 रुपए। और व्यू देखिए, शिमला से थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ेंगे ना आपको तो बहुत शांति और बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा, और रहने की भी कोई दिक्कत नहीं है, होटल मिल जाते हैं आराम से। रास्ते में हमें बहुत सारे होटल दिख रहे थे, देखिए वहाँ उस जगह पे बहुत सारे होटल थे, इतनी ज़्यादा शांति और सुकून है ना, ऐसी जगह पे रुकने का मज़ा आता है, भीड़ भाड़ में क्या मतलब है रुकने का। तो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था, अमन होम स्टे है हमारा, फागू से थोड़ा ऊपर आएंगे और थ्योक से थोड़ा ऊपर। क्या लेना? तो ये कौन सी जगह है? ये है इंडियन ढाबा, ब्रेकफास्ट लंच। अमन होम स्टे है यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है, कभी आओ तो मतलब शिमला में ना जाके ना थोड़ा सा आउटर में आके यहीं पर रुको। और शिमला से बहुत रीजनेबल प्राइस है हर चीज़, प्राइस तो रीजनेबल है ही, प्लस यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है यहाँ पर। तो जैसे कि हम शिमला जाते हैं ना इस सीजन में, तो इस टाइम भी शिमला में बहुत रश है, जबकि ये अभी सीजन नहीं चल रहा है। तो शिमला ना जाके आप बस 10-12 किलोमीटर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, तो इस तरीके से आपको एकांत और ऑफ बीट वाली जगह मिल जाएंगी, जहाँ आपको फूड और रहना दोनों ही बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चल रहे हैं नारकंडा। ये जो दिख रहे हैं ना आपको ढके हुए पेड़, ये सेब के पेड़ है, और इसमें छोटे छोटे सेब आ गए हैं।
सेब लगे हुए हैं इसमें। अभी हम लोग जा रहे हैं सेब लेने के लिए कोल्ड स्टोर से, पेटी लेनी है हमको, तो आए हैं सेब के कोल्ड स्टोर। क्या हुआ? उधर से चढ़ने का है, यहाँ से डिस्पैच है गाड़ियों का। ओके ओके, यहाँ से रास्ता, यहाँ से भी नहीं है तो ये रास्ता है जाने के लिए। कोल्ड स्टोर है ये सेब का। ये देखिए पहाड़ी गुलाब कितनी सुंदर है, वाह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ये है पहाड़ी रोज़, एक डंडी मिल जाए तो मैं घर लिए जाऊँ, ये वाली पहाड़ी रोज़ गुच्छे में है। ये कितना ना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, सी इन लोगों को अब समझ आया कि ये गुलाब है। ये है, थक गई मैं बहुत तेज। कोल्ड स्टोर, तो भाई साहब गए थे कोल्ड स्टोर में पूरा घूम घाम के, वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रोसेसिंग अच्छी खासी हो रही थी सेबों की। मुझे तो लग रहा था कि कोई एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, लेकिन था किन्नौरी सेब अपना इंडियन वाला। जब प्राइस पता कि ये तो 1450 की पेटी है 10 किलो की, मतलब 140 रुपए, 45 रुपए किलो सेब है, तो क्या फायदा लेने का जब अपने यहाँ 120 में मिल रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा महंगा है। हाँ महंगा है, लेकिन ये टेस्ट वाइज ना और वैसे बहुत अच्छा होगा। ये महंगा है, ये कंपनी की रेट है, फुटकर में दे रहे हैं ये हमें। अगर ये ट्रक गाड़ी वगैरह वाला होगा ना वो सस्ते में ले रहा होगा। चलो बैठो। तो हम लोगों ने गाड़ी यहाँ रोकी है, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिल रहा है। क्या चीज है ये? वाह, फ्रेश चेरी, पहले कभी देखी नहीं है, खाई भी नहीं। नहीं पहले देखी भी है, खाई भी है, लेकिन केक के ऊपर खाई है। केक के ऊपर खाई है, लेकिन आज वैसे नेचुरल नहीं खाई। तुमने भी केक के ऊपर ही खाई होगी भाई। तो देखिए यहाँ पे चेरी मिल रही है और इनका उत्पादन देखो यहाँ पे हो रहा है, दिखाते हैं नजदीक चल के। ये है हमारे चेरी के पेड़, पहले कभी आप लोगों ने भी नहीं देखे होंगे इस तरह से पेड़ चेरी के। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं चेरी के, कितनी सुंदर सुंदर चेरियां लगी हैं यहाँ पे, मस्त लगी है। रियल में आप लोग पहली बार देख रहे होंगे इस तरह से, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ भाई साहब। तो ये चेरी है कुछ कच्ची और देखो ये इधर पकी हुई है काफी। देखिए ये चेरी है, उठा लेते हैं भाई साहब, फ्री में मिल गई चेरी हमें। इधर कहाँ रहे? यहाँ। अच्छा यहाँ पे भी लगती है? लगी है चेरी, ज्यादा पेड़ नहीं है लेकिन सही है। अच्छा इस वाली चेरी दो ही उगती है क्या इधर? दो ही है, दो ही है। साल में एक बार? ये ऐसे करो, ऐसे करो और खा लो। क्या ले रहे हो पैसे? तो लेना है शक्करपारा लेना है। कितने पैसे दे रहे हो? कितने रुपए दे रहे हो? दो तीन चार पाँच पैसे दे लो, दे दो पैसे, दे दो पैसे, दे दो पैसे, तो रहने बस बस फ्री है बेटा। ये चीज हमने ले ली, चेरी ले ली है हम लोगों ने एकदम फ्रेश ताजी ताजी। और क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था अब तुमको केक बनाना पड़ेगा क्योंकि तुमने चेरी ली है। बिल्कुल, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि डायरेक्ट पेड़ से चीजों को अचीव करना बहुत अच्छा होता है और वो भी पहाड़ों में ऑर्गेनिक एकदम बिल्कुल फ्रेश। देखिए कितने कोई भी कितनी फ्रेश है, कोई भी फर्टिलाइजर नहीं, हर चीज ऑर्गेनिक है, देसी वाली बगीचे से प्योर।